सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वाध्याय क्लासेस। सो बच्चों देखिए, आज हम देखने जा रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन टॉपिक। ठीक है, हमने यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन दोनों को देखा था, जिसके अंदर यूनिफॉर्म मोशन का जो केस था, इन दैट केस डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा था ऑब्जेक्ट, वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल कर रहा था, जिसकी वजह से जो डेटा निकल कर आ रहा था, दैट इज जो स्पीड निकल कर आ रही थी, हर केस में सिमिलर थी, यूनिफॉर्म थी। बट नॉन यूनिफॉर्म के केस में ऐसा नहीं होता, जैसे कि हम जानते हैं उसमें कि उसमें ऑब्जेक्ट जो है वो अनइक्वल डिस्टेंस को अनइक्वल टाइम के अंदर, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर ट्रैवल करता है। तो ऐसे केस में ये भी हो सकता है कि भाई वो अगर वो कोई डिस्टेंस है वो एक ही बार में क्या है एक्सेलरेटेड फॉर्म में, या एक ही बार में क्या है कि कुछ टाइम इंटरवल के अंदर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर जाए और कुछ टाइम इंटरवल के अंदर कम डिस्टेंस ट्रैवल करे। ठीक, तो ये कहा जाएगा कि लाइक वहाँ पर वो एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक, अगर वो कम इन टाइम इंटरवल के अंदर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता जा रहा है और उसी टाइम इंटरवल के अंदर वो क्या है उसका डिस्टेंस ट्रैवल करने का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, तो ये कहा जाएगा कि वो एक्सेलरेट कर रहा है। अब एक्सेलरेट, आपने जो वर्ड है एक्सेलरेशन में जो वर्ड है, या आपने नॉर्मल लाइफ में तो बहुत सुना होगा, लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? आप देखो, लाइक आप कभी बाइक चलाते हो या कार चलाते हो तो देखते हो कि लाइक आपकी स्पीड जीरो से शुरू होती है। ठीक, आप एक्सेलरेटर देते हो या आप कार में पैडल देते हो तो क्या होता है कि आपकी जो कार है वो स्पीड दिखाती है लाइक 0, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक, अभी 10, 20, 30, 40, 50, ये जो आपका जो एक नॉब है उसका वो एकदम से जो इंक्रीज कर रहा है, इट मीन्स उसका क्या मतलब है कि लाइक आप वहाँ पे एक्सेलरेट कर रहे हो। ठीक है, अब वहाँ पर जो डेटा दिखाता चला जा रहा है कि लाइक 10, 20, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर आप रियलाइज़ करो तो वो ये कहता है कि लाइक उस पर्टिकुलर मोमेंट की स्पीड से अगर आप चलो, लाइक अगर आप 10 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे चलो तो आप एक घंटे में 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करोगे। लेकिन आप क्या करते जा रहे हो, आप एक्सेलरेट करते जा रहे हो, कल तक 10, अभी तक 10 था, फिर 20 हो गया, फिर 30 हो गया। इसका मतलब क्या, आप चेंज करते जा रहे हो, एक्सेलरेट करते जा रहे हो। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, बट ये किस टाइप का नॉन यूनिफॉर्म मोशन है? सो एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। इसके अंदर जब आपके बॉडी का जो मोशन है वो अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ एक्सेलरेट कर रहा हो, बढ़ता जा रहा हो। आप इस ग्राफ को देख के समझ सकते हो कि जो मैं बात बता रहा था, लाइक सपोज करो आपके वही मोमेंट पे कोई आपका जो मोशन है वो जीरो है, अब जैसे जैसे आपने एक्सेलरेटर दिया तो देखो स्पीड जो वेलोसिटी थी वो एकदम से बढ़ती चली गई। तो ऐसे मोमेंट को एक्सेलरेटेड मोशन कहा जाता है। ग्राफ के बेसिस पे, ग्राफ के तरीके से ये काफ़ी ईजिली समझ आता है। अब देखा जाए, जब आपका मोशन या आपकी बॉडी का जो मोशन है वो डिक्रीज करे अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो कहा जाएगा कि वो पर्टिकुलर बॉडी रिटार्डेशन कर रही है या फिर डीएक्सेलरेट कर रही है। सपोज करो आप बाइक चला रहे थे, एकदम से आगे की जो ट्रैफिक लाइट आई वो रेड हो गई। अब आपकी स्पीड अच्छी खासी थी, लाइक सपोज करो आप 90 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे थे। अब आपने अचानक से क्या करा, ब्रेक मारने पड़ेंगे। भाई ब्रेक नहीं मारोगे तो क्या होगा, लाइक बाइक तो चलती चली जाएगी। सो आपने जो ब्रेक मारे, ब्रेक मारते टाइम पे आप जब अपनी गाड़ी की जब नॉब देखते हो, जो उसके अंदर जो उसका नीडल होता है वो एकदम से नीचे आता है, लाइक 90, 80, 70, 60, 50, 40 करते हुए बिल्कुल जीरो पे आता है। तो उस टाइम पे क्या करा आपने, रिटार्डेशन करा, डी एक्सेलरेशन करा, आपने एक्सेलरेशन छोड़ा, ब्रेक मारे, एकदम से आपने गाड़ी को जीरो पे लेकर आए। सो यहाँ पर आपने अनइक्वल डिस्टेंस को अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अपने मोशन को डी एक्सेलरेट करवाया, रोका। ऐसे में कहा जाता है कि आपकी बॉडी रिटार्डेशन करे। डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का मतलब सेम होता है, कहीं कहीं पे आपको रिटार्डेशन वर्ड देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको डी एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा, लेकिन दोनों का मतलब एक ही होता है कि जब आप मोशन को या आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को या अनइक्वल डिस्टेंस को अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर आप जब डिक्रीज करते हो। ओके, आप इस ग्राफ से समझ सकते हो कि ओके, लाइक जो मैंने केस आपको बताया कि लाइक कोई आपकी बॉडी थी वो अपनी बॉडी जो भी जिस स्पीड टाइप के मोशन में थी, अब वो आते 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 उसने एकदम से रिटार्डेशन करा। अब चाहे उसने ब्रेक मार के करा हो, चाहे वो कैसे भी कराओ, बट उसकी बॉडी देखो ड्रास्टिकली एकदम उसने डिक्रीज कर दिया। ठीक, तो जो वेलोसिटी था, जब वो अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब रुकने लग जाए, कम होने लग जाए, तो उसे कहते हैं डी एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेटेड मोशन। एंड आई होप आपको ये एक्सेलरेटेड मोशन और डी एक्सेलरेटेड मोशन समझ आया होगा। आज का टॉपिक काफ़ी छोटा था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर या अगली क्लास के अंदर हम आगे के टॉपिक्स देखेंगे। ओके, आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगे सो लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा।